नमस्कार, मैं भाग्यश्री। बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज के हेडलाइंस पर। 10 कंपनियों का मार्केट कैप बढ़ा, मार्केट कैप बढ़कर 1.5 लाख करोड़। और शेयर बाजारों में लगातार 6 माह तक शुद्ध लिबाग रहने के बाद एफबीआई अब बने बिकवाल। एफबीआई ने शेयरों से 4,200 करोड़ निकाले। अब जीमेल मोबाइल ऐप पर भी ईमेल सीधे ट्रांसलेट हो सकेंगे। पहले यह फीचर सिर्फ जीमेल वेब पर ही था और अब कुछ समय में यह फीचर जीमेल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। इससे ईमेल्स दूसरी भाषा में ट्रांसलेट हो सकेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर ईमेल स्पैनिश भाषा में लिखा हुआ है और यूजर की भाषा अंग्रेजी है तो इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जा सकेगा। इसके लिए सबसे पहले जीमेल ऐप पर वह ईमेल खोलें जिसे आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं। इसके बाद 3 डॉट्स मेन्यू पर क्लिक करें। ट्रांसलेट पर क्लिक कर भाषा सेलेक्ट करें। ऐसा करने पर ट्रांसलेशन हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के साधारण बीमा कंपनियों का उद्योग प्रीमियम में हिस्सा पहली बार 1/3 से कम होकर 32.5% रह गया है। साधारण बीमा परिषद के अनुसार चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों में बड़ी निजी गैर जीवन बीमा कंपनियों ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। चालू वित्त वर्ष के पहले 5 महीनों में सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों की प्रीमियम आय 1% की गिरावट के साथ 34,203 करोड़ रुपए रह गई है। सेंसेक्स के शीर्ष 10 कंपनियों का बाजार पूंजीकरण मार्केट कैप बीते सप्ताह सामूहिक रूप से 1.5 लाख करोड़ रुपए चढ़ गया है। शेयर बाजार में सकारात्मक रुख के बीच सबसे अधिक लाभ में HDFC बैंक रहा। बीते सप्ताह BSE का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 878.4 अंक या 1.34% के लाभ में रहा। समीक्षाधीन सप्ताह में HDFC बैंक का बाजार पूंजीकरण 37,262.86 करोड़ रुपए के उछाल से 12,30,015.05 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बाजार हैसियत 24,356.24 करोड़ रुपए बढ़कर 16,56,934.23 करोड़ रुपए पर पहुंच गई है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS का बाजार मूल्यांकन 23,436.22 करोड़ रुपए बढ़कर 12,59,902.86 करोड़ रुपए पर और भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI का 12,271.34 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी के साथ 5,20,706.48 करोड़ रुपए पर पहुँच गया है। भारतीय शेयर बाजारों में लगातार 6 माह तक शुद्ध रिवाल रहने के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी FPI अब बिकवाल बन गए हैं। उन्होंने सितंबर में अब तक शेयर बाजारों से 4,200 करोड़ रुपए निकाले हैं। यस सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड की मुख्य निवेश सलाहकार नीता शशंकर ने कहा कि आने वाले 1 या 2 सप्ताह में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की निकासी का सिलसिला जारी रह सकता है। इसके अलावा हमें रुपए के तेज उतार चढ़ाव पर भी नजर रखने की जरूरत है जो आगे चलकर FPI प्रवाह को प्रभावित कर सकता है। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार FPI ने इस महीने में 8 सितंबर तक शेयरों से शुद्ध रूप से 4,203 करोड़ रुपए निकाले हैं। इससे पहले FPI का भारतीय शेयरों में निवेश अगस्त में 4 माह के निचले स्तर 12,262 करोड़ रुपए पर आ गया था। इससे पहले FPI पिछले 6 माह से अगस्त तक लगातार भारतीय शेयर में लिवाल रहे थे। इस दौरान उन्होंने 1.74 लाख करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे। इस माह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ी संख्या में करदाताओं को सेक्शन 143(1)(a) के तहत नोटिस जारी किया है। टैक्स पेयर से सेक्शन 80P के तहत डिडक्शन क्लेम का कारण पूछा गया है। लेकिन इस सेक्शन के तहत सिर्फ कोऑपरेटिव सोसाइटी क्लेम कर सकती है। अगर किसी कोऑपरेटिव को बैंकिंग, एग्री बिजनेस और कॉटेज इंडस्ट्री से आय होती है तो 20,000 रुपए तक की कटौती मिलती है। इस मामले में डिपार्टमेंटल ने गलती मान ली है। जिन्हें नोटिस भेजा गया है उन्हें अब स्पष्टीकरण ईमेल भेजा जाएगा, लेकिन यदि कोई 15 दिन में नोटिस का जवाब नहीं देता है तो कटौती ब्याज और जुर्माना कटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BCN न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज के हेडलाइंस पर। 10 कंपनियों का मार्केट कैप बढ़ा, मार्केट कैप बढ़कर 1.5 लाख करोड़। और शेयर बाजारों में लगातार 6 माह तक शुद्ध लिबाग रहने के बाद FBI अब बने बिकवाल। FBI ने शेयरों से 4,200 करोड़ निकाले। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।